हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो, जैसे कि आपको पता है कि पिगमेंटेशन के ऊपर सीरीज चल रही है। आई नो थोड़ा सा डिले हो गया है, तो क्योंकि सीरीज है तो मुझे ऐसे लगा लगातार करना चाहिए। अब ये पूरा वीक मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, लगातार एवरी डे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि रीज़न क्या था। देखिए, आप कहोगे कि फटाफट से एप्लीकेशन बता दो, हम लगा लेंगे और हमारी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। एप्लीकेशन मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी मास्क या जो भी सीरम या जो भी टोनर या जो भी क्रीम, डे नाइट मॉर्निंग एवरीथिंग जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर मैंने अभी उसको शेयर कर दिया, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एप्लीकेशन के बाद भी आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है, तो वो चीज़ें मैं पहले बताना चाहती हूँ और बाकी की चीज़ें बाद में बताना चाहती हूँ। इसलिए मैंने बोला है स्टेप बाय स्टेप करके हम चलेंगे। अब आपको रीजंस पता लगे किस रीज़न से आपको पिगमेंटेशन थी। अब हम बात करेंगे कि क्या, या फिर आपको रीज़न नहीं भी पता लगे तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये है डे टू, मतलब जिसमें मैं सेकंड वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी आपको कि अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर आपको पता लग गया है और पिगमेंटेशन बहुत कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही ना, तो ये रीज़न्स हैं जिनको आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहे हैं। तो क्या है वो रीज़न, चलिए। जो पहली चीज़ है जो हमने इस चीज़ में, इस पिगमेंटेशन को रिमूव करने में कर ली है, वो ये है कि आपने मार्केट बेस्ड जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनको आपने छोड़ देना है। चाहे वो क्रीम है, टोनर है, सीरम है या फेस वॉश है, इन सारी ही चीज़ों को छोड़ना है। आपने 100% नेचुरल चीज़ें करनी है। 21 दिन की बात है, उसके बाद आप अपनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखना है कि कितना किस चीज़ से रिजल्ट्स आपको मिला है। इसलिए मैं कह रही हूँ बस स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता है उनमें किस तरह के केमिकल्स हैं, किस किस स्किन पे क्या रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो भी हम DIY करेंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़ के लिए आप इसको छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि हर किसी चीज़ में जो भी सीरम या टोनर आप यूज़ कर रहे हो उसमें केमिकल होता है, और हमें नहीं पता कि हो सकता है वही केमिकल आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ा रहा हो। इसलिए जो भी DIYs हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। इसलिए आपने इन सबको बहुत ज़्यादा समझना, कौन सा केमिकल है, किस तरह का काम करता है, क्यों नहीं करता है, तो उससे बेस्ट है कि आप इन चीज़ों को 21 डेज़ के लिए छोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ने से आप देखोगे, आपको आपकी स्किन, आपको पता भी लगेगा कि फेस वॉश कैसा काम कर रहा है, टोनर क्या काम कर रहा है, या फिर जो भी फेस पैक आप लगा रहे हैं या जो क्रीम आप लगा रहे हैं वो क्या काम कर रही है। हर तरह की चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, लगातार वीडियो देखने को मिलेंगी अब आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है। जो सेकेंड स्टेप है वो आपको करना है कि अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करके रखना है। हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, बहुत बार देखा होगा आपने कि कोई सन ग्लासेस लगाते हैं, है ना, कोई गोगल्स वगैरह लगा के चलते हैं, तो वो मतलब ऐसी जगह पे अगर आप रह रहे हो कि आप नहीं लगाना चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप सोचते हो कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, उसको छोड़ के अपने काम करने होते हैं। बट इतना हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ना, उसकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, ठीक है। वो हंस रहे हैं, जो भी उनको लगना है उनको लगने दो। आप सनग्लासेस पहनिए, अपने हैंड्स को कवर कीजिए, अपने फेस को कवर कीजिए, सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए। इसके साथ साथ आप जब आप सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं तो ध्यान रखना, जो हमारे लोकल एरिया में मिल जाती है और जो कि माइल्ड होती है, वो सनस्क्रीन आप यूज़ करें, ठीक है। अगर उसमें फ्रेग्रेंस जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें यूज़ करनी नहीं है अगर आपको पिगमेंटेशन है तो, ठीक है। तो आपने अपने फेस को कवर करना है, सनस्क्रीन से कवर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा धूप में जाना पड़ता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो धूप है उससे तो अपनी स्किन को कवर करना ही करना है, इसके साथ साथ आप अपने सनस्क्रीन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉटन के कपड़े से अपने फेस को कवर कर सकते हैं। अगर आप कैप नहीं पहनना चाहते, अम्ब्रेला नहीं ले सकते, कि आपका काम ऐसा है, कैप नहीं पहन सकते हो, अम्ब्रेला नहीं ले सकते हो, या फिर आप को बहुत ज़्यादा धूप में रहना पड़ता है, तो एक अच्छा सा प्योर कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको डबल लेयर में फोल्ड कीजिए अपने फोरहेड को और अपने इस पूरे फेस को कवर करके फिर आप धूप में जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हैंड्स पे है तो आप अपने हैंड्स के लिए फुल स्लीव के जो क्लॉथ होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जब भी कपड़े आप सिलेक्ट करते हैं थोड़े से कॉटन के हों, हल्का फुल्का मिक्सअप चल जाता है, बट बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनमें से एयर ही पास ना हो रही हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का जैसे ही आप ध्यान रखोगे, आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि सन आप हमारी स्किन के लिए खराब है, खराब नहीं है, लेकिन 10 to 5 o'clock, 10 बजे से लेके 5 बजे तक का जो टाइम है उसके बीच में हमने अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद आप धूप में भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब इससे पहले, सॉरी। तो आपने क्या करना है, जब भी आप बाहर जाते हैं, सपोज करो बहुत धूप में गए हैं, सनस्क्रीन आपने लगाई है और जब वापस आते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं, ये नहीं करें। आप अपने फेस को, जब घर में आप हो ना, तो अपने फेस को क्लीन करके हल्का सा जो मॉइस्चराइजर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको लगा के भी रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बंद घर में रह रहे हो और आपको सनस्क्रीन लगानी जरूरी है। आपको अपनी स्किन को ब्रीथ करने भी देना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने ऐसा करना है, जब भी बाहर से आओ ना, तो सिर्फ पानी से अपने फेस को क्लीन कर लो, धूल मिट्टी डर्ट जो उसके ऊपर लग जाएगी ना, सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर जो भी लगा है, तो वो इमिडिएटली निकल जाएगी आपकी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है और हम कर देते हैं, इसीलिए हमें धीरे धीरे करके बिल्डअप होता चला जाता है और प्रॉब्लम्स होती चली जाती है और हमें पता भी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप सन में अभी जाने वाले हो और सडन करके आप सनस्क्रीन लगा कर बाहर निकल जाते हो। देखिए, अपना स्किन केयर करें, स्किन केयर के बाद 10 मिनट अपने फेस को दें, उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगानी है और सनलाइट में जाने से 30 मिनट पहले वो आपकी स्किन पे लग जाने चाहिए ताकि वो सेटल हो जाए और फिर वो आपके लिए काम करेगी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो सनस्क्रीन हम लगाते हैं वो माइल्ड होनी चाहिए, और कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है, अगर कहोगे तो फिर से मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आप बात आती है पानी पीने की। देखिए, भरपूर मात्रा में पानी पिए, जितना हो सके पानी पिए। अगर मैं बात करूँ कोई भी बीमारी जब हमें होती है तो डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप पानी पियो, जितना हो सके पानी पियो, ठीक है। तो आपने कम से कम जो है 8 गिलास पानी पीना चाहिए, 8 से 10, 10 से 12, जितना हो सके, लेकिन 8 तो आपने पीना ही पीना है। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जब भी आप पानी पीते हैं ना, तो उस सिर्फ उसको ऐसे नहीं कि मुझे पानी पीना है और गटक गटक पी लिया, थोड़ा सा आराम से, शांति से और पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्किन की पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। आपको लगता है ये क्या है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन याद रखिए कि बेसिक जो चीज़ें होती है ना, उससे ही हमारी बिल्डिंग बननी स्टार्ट होती है। अगर बेस स्ट्रांग होता है तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। जब बेसिक चीज़ें अच्छी होंगी तो हमारी स्किन पे जो हम काम करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, वो और ज़्यादा अच्छा होगा। हम एप्लीकेशन तो कर लेते हैं बट इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो भी नेचर ही है। तो जिस तरह से प्लांट्स के लिए जो है धूप, पानी और हवा ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए भी सनलाइट, हवा और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, सुबह की धूप अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ले सकते हैं, तो प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट होती है ना, 10 o'clock से पहले की जो सनलाइट होती है कि आपकी बॉडी बेयर कर पाती है, जैसे वो सनलाइट हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी बॉडी के लिए खाना होती है वो। तो उस सनलाइट को आप डेफिनेटली ले, कोशिश करें उसको लेने की जितना हो सके, टाइम निकालें। देखिए, टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट होता ये है कि हम किस चीज़ को कितनी वैल्यू दे रहे हैं उस हिसाब से हमारे काम होते चले जाते हैं। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देखिए, पौधे को भी अगर धूप में और सन से और पानी से अगर बचा के रखें ना दे उसको ये चीज़ें, तो वो मर जाता है। सेम ऐसा ही हमारी स्किन पे भी इफेक्ट होता है। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।